हेलो एवरीवन, एमडी सोविंग कुंगड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बटन होल कैसे करते हैं, यानी कि काज कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बटन होल करते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? ये हमारा प्रेशर फुट है, यानी कि बटन होल फुट है, ये हमारा ऐसा होता है ये। और हमारे पास ये दो बटन है, एक बड़ा बटन है, एक छोटा है, और ये हमारा बटन होल कटर है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा बटन है, तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे ऐसे करके, और इनको हम ऐसे बिल्कुल सीधा एक बिंदु को दूसरी बिंदु से जोड़ेंगे। ये हमारा छोटा बटन है, ऐसे हम मार्किंग करेंगे इन पर, और ऐसे हमको इनको सीधा जोड़ देंगे। सबसे पहले हम फुट को लगाएंगे, ये हमारा बटन होल फुट है। ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है। ये हम ऐसे लगाएंगे, इसको इसके नीचे रखेंगे और ये हमारा बटन होल फुट लग चुका है। अब हम मशीन को सिलेक्ट करेंगे। हम थ्रेड टेंशन को 4 पर रखेंगे और सिलेक्टर को हम इस मार्क पर रखेंगे, ये 1 पर। ये ऐसे ऐसे डिजाइन मिलेगा, इस पर रखेंगे हम, और लेंथ को हम 0 और 1 के बीच में रखेंगे। ये जो मार्क हमने लगाया ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब हम इसको सिलेक्टर को 2 पर रखेंगे, नीडल हमारे ऊपर होनी चाहिए। नीडल हमारे ऊपर होनी चाहिए। अब हम इसको 3 पर रखेंगे। अब हम इसको फिर 2 और 4 का जो इकट्ठा ये निशान है उस पर लेके जाएंगे। अब हमने छोटे जो बटन की मार्किंग की थी, अब हम उस पर फुट को रखेंगे और सिलेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे 1 पर। फिर से हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, 2 पर रखेंगे इसको। अब फिर से हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, 3 पर रखेंगे इसको। अब फिर से हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा 2 और 4 दोनों है। ये हमारे बटन होल हो चुके हैं और ये हमारा कटर है, हम इससे अब कट करेंगे।
ये हमारा बड़ा जो बटन होल है ये वो है, अंदर से निकल गया, और ये हमारा छोटा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।